हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पैथो हब। आज हम ग्लास वेयर के बारे में बात करेंगे, आपके एमएलटी का एक खूबसूरत सा टॉपिक जो कि ग्लास वेयर है, और कैसे ग्लास वेयर होती है, हम उसकी हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, हम उसे कैसे रख रखाव कर सकते हैं, कौन कौन से ग्लास वेयर होते हैं जो हमारे लेबोरेटरी में यूज़ आते हैं, मैं आज बात करूँगा इन सारी चीज़ों के बारे में। ग्लास वेयर यूज्ड इन ईच सेक्शन ऑफ द लेबोरेटरी, हर एक सेक्शन में लेबोरेटरी में ग्लास वेयर यूज़ आता है, इज़ हाईली स्पेसिफिक एंड द एक्सपेंसिव। It is necessary to handle glassware carefully to avoid accident in the laboratory. ये बहुत ही ज़्यादा महंगे भी होते हैं, और हमें जो glassware का handling आना चाहिए वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो हमारे laboratory में क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कई बार हमारे हाथ कट सकते हैं, और भी सारी चीज़ें हैं जो कि glassware से related है और वो हो सकती हैं, तो इन सारी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। जो laboratory में glassware यूज़ होते हैं उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है, मतलब किन किन पदार्थों को मिलाकर ग्लासवेयर को बनाया जाता है, तो पहला है सिलिका, जिसे SiO2 हम सभी कहते हैं, जो कि 80.6% में रहता है। नेक्स्ट है बोरिक ऑक्साइड B2O2, जिसे हम सभी नाम से जानते हैं, जो कि 12.6 रहते हैं, और सोडियम ऑक्साइड जिसे Na2O कहा जाता है वो 4.15 होते हैं, और नेक्स्ट जो आता है वो है एल्यूमिनियम Al2O3 जिसे 2.2 के परसेंटेज में रखा जाता है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर ग्लासवेयर लेबोरेटरी यूज ग्लासवेयर बनाए जाते हैं। पहला जो ग्लासवेयर है वो है बीकर्स। आपने हर लेबोरेटरी में, चाहे आप 9th 10th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, आप इसे जानते होंगे, बीकर्स क्या है, दिस हैव कैपेसिटी फ्रॉम 5 to 500 ml। क्या होता है ये, 5 ml से 500 ml, मतलब 5 लीटर तक के आते हैं। दे आर जनरली इन स्क्वायर शेप, ये क्या होते हैं, जनरली इन स्क्वायर शेप में होते हैं, फ्रॉम विच इज सिलेंड्रिकल, और क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल के शेप में होते हैं, एंड हैज़ ए स्पाउट, और इसके आप देखेंगे तो गोल, जैसे ऊपरी का भाग जो गोल होगा, और एक नुकीला, जैसे हमने मग में देखा होगा वैसा एक स्पाउट टाइप निकला हुआ रहता है, क्यों, ताकि सॉल्यूशन रिएजेंट हमें ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। इसका यूज़ क्या है, दिज आर यूज मेनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, हमें मुख्य रूप से प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन जब करना होता है, दो सॉल्यूशन को मिलाकर बनाना होता है, तो हम मुख्य रूप से वीकर का यूज़ करते हैं और इसे ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके लिए इसका मुंह जो है मग के समान वो स्पाउट किया हुआ होता है। अब नेक्स्ट जो ग्लासवेयर के बारे में बातें करेंगे वो है फ्लास्क। फ्लास्क क्या है, दिस हैव कैपेसिटी ऑफ 25 to 500 ml, 25 ml से 500 ml तक इसकी कैपेसिटी हो सकती है, छोटे बड़े आपको देखेंगे। बहुत तरह के आपने फ्लास्क को देखा होगा, पहला ही कॉनिकल फ्लास्क जिसका मैंने आपको फोटो दिया है, दूसरा होता है फ्लैट बॉटम फ्लास्क, और भी होते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क जिसके हम लोग कहते हैं, और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जिसे हम लोग वॉल्यूम अधिकतर नापने के काम में लाते हैं। फ्लास्क, दिस आर यूज फॉर बॉइलिंग द सोल्यूशन, इवोपोरेट एंड हीटिंग द लिक्विड। कई बार हम फ्लास्क का यूज़ क्या करने के लिए करते हैं, तो हम उसे बॉइल करने के लिए करते हैं, हम इवोपोरेट करने के लिए, भाप जैसा अगर हमें सोल्यूशन में लाना हो, भाप बनाना हो, तो उसके लिए हम सब कर सकते हैं, और हीट करने के लिए लिक्विड को हम सभी करते हैं। मेक फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रिएजेंट वेरी एक्यूरेटली, क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, जिसे हम सभी कहते हैं, वो एक्यूरेट वॉल्यूम हमें बनाने में मदद करता है फ्लास्क। अब कई बार बीकर में लेवल थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन फ्लास्क में एक हम सटीक प्रॉपर वॉल्यूम नाप सकते हैं, माप सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मेजरिंग सिलेंडर्स। मेजरिंग सिलेंडर्स क्या होते हैं, दिज आर अवेलेबल इन 10 to 200 ml कैपेसिटी, ये 10 से 200 ml तक के कैपेसिटी में आप सबको मिल जाएंगे। दे आर यूज टू मेजर क्वान्टिटी ऑफ द लिक्विड, हमें क्या क्वान्टिटी ऑफ द लिक्विड नापने में ये हेल्प करता है, कि हम इसमें जनरली लिक्विड को अगर हमें वीकर में डालना है, तो अगर वीकर इंगेज है तो हम सिलेंडर में नाप कर जाते हैं। और एक हीमेटोलॉजी में मैं आप इसका यूज़ बताऊँ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर आप कभी देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मापना होगा, तो हम सभी मेजरिंग सिलेंडर में ही यूरिनोमीटर को, अगर यूरिन माप रहे हैं तो यूरिनोमीटर को हम सभी डालते हैं और उसमें मेज़र करते हैं। और क्या है, हाईली डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर वाइड ब्रॉड,
क्या होता है इसमें ना, एक्यूरेसी आप सबों को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये लंबा होता है, वाइड ब्रॉड इसका नेक होता है, और इसमें भी एक स्पाउट बने हुए होते हैं, एक नुकीला मग जैसी संरचना बनी होती है जो लिक्विड को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। तो इसमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि एक्यूरेसी हमें नहीं मिलेगी, जब मतलब हाई डिग्री हम कह सकते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी नॉर्मल एक रेंज, क्योंकि हमारे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हम सिर्फ रेंज में बात करते हैं, थोड़ा सा 2-4-5 पॉइंट इधर उधर जनरली होते हैं, उससे आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट है फ्यूनल्स। फ्यूनल्स अगर बोलचाल की भाषा में बात करें तो टीप या कीप आप जिसे बोलते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार हमारे बाइक में तेल डालने के लिए, गाड़ियों में तेल डालने के लिए इस तरह के उपकरण का यूज़ करते हैं। यह जनरली हमारे लेबोरेटरी में भी यूज़ होती है। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों को अगर ब्रॉड उसका टेस्ट ट्यूब में डालना हो और हमारे पास लिक्विड बहुत ज़्यादा हो, तो एक तरीका एक प्रोसेस में हम सभी डालने के लिए इसे यूज़ करते हैं। और क्या, कभी हमें किसी भी लिक्विड को फ़िल्टर करना रहता है तो हम इसमें फ़िल्टर पेपर डालते हैं और इसे फ़िल्टर ऊपर से डालते हैं और नीचे फ़िल्टर होकर निकलता है। तो फ्यूनल के बहुत सारे काम हैं जो आपके लेबोरेटरी में होने चाहिए। द कॉमनली यूज्ड फ्यूनल आर द डायमीटर ऑफ 50, 65, 70 एंड 100 mm। जो डायमीटर होना चाहिए वो 50 mm का आप ले सकते हैं, 65, 70 एंड 100 mm तक के मोस्टली फ्यूनल्स यूज़ होते हैं, जिसे हम लोग कीप या टीप कहते हैं, आप हमेशा याद रखें। अगर हम बात करें नेक्स्ट तो ट्यूब्स। ट्यूब्स क्या है? बेस्ड ऑन द नीड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब आर यूज्ड इन क्लिनिकल लेबोरेटरी। हमारे यूजेस के आधार पर बहुत सारे ट्यूब, आजकल तो प्लास्टिक के ट्यूब्स भी आने लगे हैं और कुछ ग्लासवेयर के भी ट्यूब्स हैं, जिसे हम सभी लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जिसे हम सभी ट्यूब्स कहते हैं। अब जो नेक्स्ट बात हम करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे हम पीपेट्स की। कुछ पीपेट्स ग्लासवेयर के रूप में होते हैं और कुछ पीपेट्स प्लास्टिक वेयर, जैसे कि फर्स्ट आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, फोटो में देख पा रहे होंगे। तो इसे हम सभी जनरली बायोकेमिस्ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं, केमिकल रिएजेंट के लिए यूज़ करते हैं, हमें क्वांटिटी लेना होता है, जिसे हम सभी माइक्रो पीपेट के नाम से जानते हैं। और बगल में आप देख रहे होंगे तो एक RBC पीपेट, एक WBC पीपेट है, और मैंने कुछ सेरोलॉजिकल पीपेट के को भी बताया है, दिखाया है। मुख्यतः एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ट्यूब्स में और पीपेट्स में क्या अंतर है, तो ट्यूब्स हमेशा याद रखें ये एक तरह से खुले होंगे, यानी ऊपर का भाग सिर्फ खुला होगा ट्यूब्स में, नीचे से वो फुल्ली पैक्ड रहेंगे। लेकिन पीपेट्स में क्या होता है, पीपेट्स दोनों तरफ से खुले होते हैं, ऊपर से भी खुले रहते हैं, नीचे से भी खुले रहते हैं। तो ये मुख्य यह अंतर पूछा जाता है। और ट्यूब्स भी जनरली कई प्रकार के होते हैं, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं, आप सभी जानते हैं। ऊपर में एक होता है राउंड के जैसा बनाया हुआ ट्यूब्स, फिर ट्यूब्स अलग अलग साइजेज़ में मिलते हैं, ये जनरल जानकारियाँ हैं, आप सबको होगी ही। और पीपेट्स के बारे में तो RBC पीपेट, WBC पीपेट, RBC पीपेट पे रेड कलर के बल्ब मिलेंगे आपको और WBC पीपेट में वाइट कलर के, ये भी पूछा जाता है अंतर, आप सभी याद रखें। और सेरोलॉजिकल में हम जैसे कि 5 ml, 10 ml ऐसे करके, और ऊपर में एक वैक्यूम पंप जैसा लगता है जिसे हम सभी वैक्यूम बनाते हैं, और फिर उसको हम लोग सभी पीपेट में लेते हैं, रिएजेंट को, ब्लड को, कुछ भी चीज़ को लेना, स्पेसिमेन को लेना होता है तो पीपेट्स के द्वारा ही लिया जाता है। तो ये वर्क है पीपेट के। और आगे बात करूँ तो मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ पीपेट। पीपेट बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि ग्रेजुएटेड पीपेट, जिसमें कि लिखा हुआ रहता है 10 ml, 5 ml, 15 ml, 20 ml, वो ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएटेड कहीं भी अगर शब्द के आगे ग्रेजुएटेड आ जाए तो समझ लीजिए मार्किंग किया हुआ है, ग्रेजुएटेड पीपेट। वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम नापने के लिए अधिकतर हम उसे यूज़ कर लेते हैं। सेरोलॉजिकल पीपेट, जो सेरोलॉजी में सीरम उरम उठाने के लिए यूज किया जाता है। और पॉस्चर पीपेट, पॉस्चर पीपेट आजकल प्लास्टिक के आते हैं, कुछ ग्लास के भी आते हैं, यूजेबल होते हैं। मेनली ये पीपेट्स हैं जिसे हम सभी मेज़र करने का काम करते हैं, हमें स्पेसिमेन उठाना हो, रिएजेंट उठाना हो, इसे उठाकर हम सभी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं या फिर और भी सारी चीज़ों में जहां हमें ट्रांसफ़र करना होता है। बेसिकली पीपेट्स इसी काम में आते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के काम में। उम्मीद है आप लोगों को ये लेबोरेटरी ग्लासवेयर का टॉपिक समझ में आ गया होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही 2-4 चीज़ें हैं ग्लासवेयर में जो आती हैं, प्लास्टिक वेयर में आती हैं, आप सभी को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट जो वीडियो है आप ज़रूर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो है हाउ टू हैंडल और क्लीन, हम इसे कैसे क्लीन रखेंगे, इसे हैंडल कैसे करेंगे, इसे ड्राई कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जब भी उसको ज़रूर देख लें तो आपका पूरा टॉपिक ग्लासवेयर के मामले में क्लियर हो जाएगा। हम लोग उसे स्टरलाइज भी कैसे करते हैं, हालांकि स्टरलाइज एक बड़ा चैप्टर है, मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रूर बताऊँगा कि ग्लासवेयर को कैसे स्टरलाइज करते हैं, हम सभी हॉट एयर ओवन में कितनी देर तक रखना होता है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहें, प्लीज़ नए हों सपोर्ट करें हमें,
आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कमेंट, आपका कमेंट नहीं आता है बहुत बुरा लगता है, आप देखते हैं ऐसे चले जाता है, प्लीज़ एक कमेंट आपका ज़रूर बनना चाहिए। नीचे नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी है, संपर्क करें, व्हाट्सअप करें। पीएच पे तो आपको सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है लाल कलर का है, बेल आइकन दबाएं, रेगुलर वीडियो आएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।